Good morning, friends. Welcome to the Golden Theorem. Today is 14th December and I am here with the daily Hindu analysis. Let's start today's Hindu analysis. Okay, the first news hai today ka, again, jo ki kal ka bhi important news tha, that is Chinese try to change LAC status ko, Rajnath. So, jo humare minister hain, unhone ye statement diya hai ki कोई भी हमारे पास कोई फैटलिटीज़ या कोई सीरियस कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं दोनों तरफ से. नो वन कैन कैप्चर एन इंच ऑफ लैंड टिल द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज इन पावर. दिस वाज द स्टेटमेंट. सो द स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज जो हमने कल भी डिस्कस किया था, लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन, कि जो डिस्प्यूट है, द डिस्प्यूट, वॉट इज द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट है क्या. अगर हम इंडिया और चाइना का जो भी हमारा बॉर्डर लाइन है, अगर हम उसको देखें, तो इसको हम कहते हैं LAC, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. दिस LAC, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर. तो वेस्टर्न सेक्टर में जो इश्यूज हैं, वेस्टर्न सेक्टर में हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था कि टू लाइन्स हैं, वन इज जॉनसन्स लाइन एंड अदर इज मैकडोनल्ड्स लाइन. तो जॉनसन्स लाइन में क्या है कि अक्साई चिन जो रीजन है वो लद्दाख में फॉल करता है, दैट मीन्स इंडिया कंसिडर अक्साई चिन एज इट्स ओन पार्ट. जबकि जो मैकडोनल्ड्स लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो अक्साई चिन है वो चाइना का पार्ट है. अब ये दोनों लाइंस का कंफ्यूजन है, इंडिया एक अलग लाइन फॉलो कर रहा है, चाइना एक अलग लाइन फॉलो कर रहा है, यही एक चीज जो है वो चला हुआ है. मिडल सेक्टर में इतना ज्यादा इशू अभी के लिए नहीं है. नाउ जो अभी चला हुआ है दैट इज ईस्टर्न सेक्टर. ईस्टर्न सेक्टर वाला जो लाइन है दैट इज मैकमोहन लाइन. दिस लाइन मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर. The China considers the McMahon line illegal. McMahon line proposed the line in Shimla Accord in 1914. तो ये वहाँ पे उस time accord हुआ था, but China इस line को illegal मानता है and India इसको legal मानता है. So यही एक दोनों का dispute है जो चला जा रहा है. And अभी हमने देखा कि दो दिन पहले वहाँ पे दोबारा से दोनों side की armies में से there was some clashes also. Okay? So बाकी हम इसको बहुत ज़्यादा detail में इसलिए नहीं discuss कर रहे हैं, हमने कल इसको discuss किया था. Okay? सो नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है टुडे का, दैट इज FCRA. वॉट इज FCRA? FCRA एक एक्ट है, ठीक है, जो कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को इंडिया में, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. तो FCRA क्या करता है, FCRA जितने भी फॉरेस्ट फॉरेन जितने भी हमारे इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई NGO है, कोई पोलिटिकल पार्टी है, जो कि फॉरेन फंड रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है. ओके तो अभी हुआ क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहता है इन द प्रीलिम्स आल्सो एंड मेंस में भी, व्हाट इज FCRA, FCRA के अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये चला हुआ है. तो अभी का जो टुडे का जो न्यूज है वो ये है कि FCRA लाइसेंस ऑफ 1811 NGOs कैंसल्ड इन 3 ईयर्स, इनके कैंसल हो गए. ऐसा क्यों, ऐसा गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन्होंने जो रूल्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया. देखो लास्ट लाइन, ड्यू टू द वॉयलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द FCRA एक्ट, ड्यू टू द वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन, ये वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन की वजह से किया गया है. द FCRA वाज इनएक्टेड. तो हम ये देखते हैं कि FCRA है क्या, ठीक है, ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है. आपको ये सब नहीं करना कि कितना वॉयलेट किया गया, क्या किया गया, जस्ट हम इसको देखते हैं कि ये हुआ क्या था, क्या है इसका वो क्या है. सो फर्स्ट टाइम इट वाज इनएक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1967. उस टाइम पे इंडिया में बहुत इश्यूज थे, इंडिया में और ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और कोई फॉरेन मेंबर्स वो हैं वो इसका बेनिफिट ना ले सके. तो एट उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे FCRA को इंडिया में लाया गया था, इंडिया में इनैक्ट किया गया था. द लॉ सॉट टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस. ठीक है, बहुत ध्यान से, इंडिविजुअल्स भी कवर हो रहे हैं एंड एसोसिएशंस भी कवर हो रही हैं बोथ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि FCRA सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशंस को ही कवर करेगा. इट इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज एसोसिएशंस सो दैट दे फंक्शनड इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FCRA. अब FCRA में देखो, इट रिक्वायर्स एवरी पर्सन और NGO विशिंग टू रिसीव फॉरेन डोनेशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कोई भी NGO, कोई भी पर्सन, आप अगर एज अ डोनेशन के लिए फंड रिसीव कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई हमारा फ्रेंड, कोई रिलेटिव हमें मनी सेंड कर रहा है, वो एक इशू नहीं है, लेकिन इफ यू आर रिसीविंग इट इन द नेम ऑफ डोनेशन, देन यू हैव टू बी गेट रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाके आपको रजिस्टर करना होगा टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द रिसीट ऑफ फॉरन फंड
and to utilize those funds only for the purpose of which they have been received and as stipulated in that. This is the main issue. ठीक है, अब कुछ एनजीओ होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एनजीओ शुरू कर लिया कि भाई दिस इज द एनजीओ फॉर बेनिफिट ऑफ वुमेन, और उसके लिए मुझे कोई फॉरन डोनेशन भी आ रहा है. अब मैं उस फंड को फॉर बेनिफिट ऑफ वुमेन की बजाय मैं खुद के लिए घर ले रही हूँ, गाड़ी ले रही हूँ, सो ये तो गलत है ना. तो उस चीज को करने के लिए कि जिस पर्पस के लिए वो आया है उसी पर्पस के लिए हम उस फंड को यूज किया जाए, सो ये एक्ट जो है बनाया गया. द एक्ट प्रोहिबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसीट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन. जो इलेक्शन के लिए है उनको वो नहीं रिसीव कर सकते, जर्नलिस्ट नहीं रिसीव कर सकते, न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज नहीं रिसीव कर सकती, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कर सकते, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी हमारे नेता लोग हैं, ये कोई भी जो फॉरेन फंड है इन द नेम ऑफ डोनेशन रिसीव नहीं कर सकते. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे गए थे 2010 में. अमेंडमेंट्स भी बहुत न्यूज में थे, आपको पता होना चाहिए. अमेंडमेंट्स आपको मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज एक्ट, और अमेंडमेंट्स विल बी आस्क्ड इन मेंस. तो इंडियंस जो है वो 10 लाख एनुअली रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम देयर रिलेटिव. इससे पहले 1 लाख तक था, अब ये 10 लाख तक हम रिलेटिव से रिसीव करते हैं. दिस इज नॉट द डोनेशन, राइट, ये आप रिसीव कर सकते हो. अब ये देखो, organizations receiving foreign fund will not able to use more than 20% of such funds for administrative purposes. For example, मुझे 100 करोड़ रुपीस भेजे गए from the donation, ठीक है, उसका उसमें से सिर्फ 20 करोड़, अब मैंने 100 करोड़ मंगाए, वही सेम एग्जाम्पल कि मैं विमेन सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ, ओके, बट उसका 20% ही मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, सपोज मुझे सैलरीज पे करनी है, सपोज मुझे कोई कंप्यूटर्स खरीदने हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है फॉर माई एनजीओ, तो उसमें से सिर्फ 20% ही मैं यूज कर सकती हूँ, बाकी का 80% आई हैव टू यूज इट ऑन द इश्यूज, जो कि मैंने विमेन, सपोज आई एम वर्किंग ऑन विमेन इश्यूज, तो मुझे उसी पे खर्चा करना पड़ेगा, नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. बिफोर दिस अमेंडमेंट ना ये 50% था, 20% वाला, बिफोर दिस अमेंडमेंट ये 50% था कि आप 50% कर सकते हो, नॉट 20%. ओके, सो ये 2010 के अमेंडमेंट के बाद हुआ. एक और इसमें चीज करी गई कि जो एनजीओज हैं, पहले था कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लो और वो लाइफ लॉन्ग का रजिस्ट्रेशन रहेगा, बट नाउअडेज जब भी आप कोई भी एक एनजीओ होता है तो वो 5 ईयर्स के लिए ही रजिस्टर होगा, एंड आफ्टर 5 ईयर्स आपको दोबारा से उसको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ओके, और भी कई सारे हैं, जो भी आपको फंड आया यू हैव टू इसको आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को. तो ये जो रूल्स एनजीओज फॉलो नहीं कर रहे उनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं. राइट, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री इवेड्स डायरेक्ट रिप्लाई ऑन डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल. लद्दाख इज इन न्यूज, लद्दाख का चला रहता है. पहले लद्दाख अलग हुआ, ठीक है, हमने देखा कि यूनियन बाइफर 5th अगस्त इसमें जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 UTs बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर एंड अनदर वॉज लद्दाख, है ना. तो लद्दाख, अब नाउ लद्दाख इज डिमांडिंग टू बी एंटर्ड इन 6th शेड्यूल. तो लद्दाख की उस टाइम से ही डिमांड चली कि हमें 6th शेड्यूल में एंट्री चाहिए. तो अभी ये जो मिनिस्ट्री में वो जो मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, लेकिन लद्दाख के बारे में कोई बात नहीं करेगी. लद्दाख का 2021 में ये डिमांड हुआ और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया. देखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स टेबल्ड अ रिपोर्ट इन राज्यसभा रिकमेंडिंग दैट स्पेशल स्टेटस मे बी ग्रांटेड टू लद्दाख. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो बोल दिया कि लद्दाख को ये स्पेशल स्टेटस दे दो, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है. अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है स्पेशल स्टेटस. देखो, 2 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 5th एंड शेड्यूल 6, जो कि डील करते हैं ट्राइबल एरियाज से. तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 6. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल. ओके, तो 6th शेड्यूल में देयर आर 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. राइट, तो सबसे पहले ये याद रखना है, नॉट ऑल द स्टेट्स, सारा भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा असम विल बी इन 6th शेड्यूल, पूरा का पूरा मेघालय नहीं, कुछ रीजन्स इनके हैं दे आर इन द 6th शेड्यूल एरियाज अंडर 6th शेड्यूल, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है. अब इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275. वेरी इंपॉर्टेंट, होता क्या है 6th शेड्यूल का. 6th शेड्यूल में होता है कि आपको जो ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, दे गेट अटोनमी, लाइक उनका एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगे. Autonomous District Councils are the bodies representing a district
to which the constitution has given varying degrees of autonomy within the state legislatures. कैसे autonomy? जैसे देखो कोई भी act है parliament का या state legislature का वो directly इन पे apply ही नहीं होगा. सबसे पहला ठीक है, ये जो भी वहाँ की autonomous district councils हैं उनके elections होंगे, within the tribal members ही जो हैं election वो choose किए जाएंगे persons, और वो ही इस पूरे इसको run करेंगे कि ये कैसे होगा, अपने लिए laws बनाएंगे, वो सब कुछ वैसे ही करेगा government का. पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी लॉ डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार एक्ट पास किया तो वो पूरे इंडिया में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर उसके ऊपर कुछ काम किए बिना. लेकिन अगर आपको उनको सिक्स शेड्यूल एरियाज में भी अप्लाई करना है देन यू हैव टू मेंशन इट, और उसके लिए अलग से प्रोसीजर होगा. कोई भी एक्ट, ओके, द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन्स. ओके, सिक्स शेड्यूल में तो किस कैसे एक्ट अप्लाई होगा, गवर्नर इज वेस्टेड विद द पावर्स रिगार्डिंग द काउंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द प्रेसिडेंट, गवर्नर, इट इज वेस्टेड विद द पावर्स रिगार्डिंग द काउंसिल, ही और शी बाय पब्लिक नोटिफिकेशन मे इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी न्यू एरिया, क्रिएट अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं वो, दे कैन ही कैन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट. ओके, कोई भी एरिया डिक्रीज कर इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, और किसी भी कोई भी उसका नेम ऑल्टर करना है, इवन कि कौन सा एक्ट, जो हमने पीछे देखा ना कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें अप्लाई नहीं होता, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए, ये सब किसकी अथॉरिटी है, गवर्नर की. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, राइट. तो सिक्स शेड्यूल है तो लद्दाख काफी टाइम से डिमांड कर रहा है कि हमें भी इसमें आना है, बट अभी जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनल अप्रूवल नहीं आया है. गुड, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट इज इंडिया हिट सेट ओआईसी चीफ फॉर विजिट टू एलओसी फ्रॉम पाकिस्तानी साइड. सबसे पहले तो देखते हैं कि ओआईसी है क्या. ओआईसी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस. ओके, तो दिस इज द फुल फॉर्म. आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के बाद, यूनाइटेड नेशंस हम देखते हैं ना सबसे ज्यादा जो मेंबरशिप है, मोस्टली ऑल द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट. आफ्टर यूनाइटेड नेशन अगर कोई सेकेंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है देन दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. Look, second largest intergovernmental organization after the United Nations with a member of 57 states. India is not its member. ये आपको याद रखना, India इसका member नहीं है. Most of the Islamic countries are members of this OIC. It is the collective voice of Muslim world. The first organization of the Islamic conference was enacted by first Islam summit held in Morocco in 1969. में ये सबसे पहले बना था. Headquarters are in Saudi Arabia. ठीक है, headquarters याद रखने हैं. सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये याद रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है ये याद रखना है. अब ये न्यूज में क्यों है, वाई? देखो सबसे पहले ये मैप में शो की गई है कंट्रीज, इंडिया नहीं है. ऐसा क्योंकि जो ओआईसी के चीफ हैं वो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान पे जो एलओसी एरिया है, जो हमारा कश्मीर वाला जो इशू चल रहा है, तो वो वहां पे गए और उन्होंने पाकिस्तान की साइड से उस एरिया का ब्रीफ लिया. ओके, तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जाता है कि ये जो ओआईसी कंट्रीज हैं दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू, कि वो इंडिया के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान को कश्मीर इशू के लिए सपोर्ट कर रही हैं. तो इस चीज को हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, दिस इज इंडियाज इंटरनल अफेयर. कोई भी इस चीज को, कोई भी फॉरेन का कंट्री आके या कोई भी फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन आके इसमें इंटरफेयर ना करे. ओके, वी होप दैट ही वुड रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर इन कैरिंग आउट द नेफरस एजेंडा ऑफ पाकिस्तान ऑफ प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनटू इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर. ये इंडिया का कहना है. नेक्स्ट इज असम हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेट सिटीजन केस फॉर जनवरी 2010. अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको तीन बातें याद रखनी है, ठीक है, इसमें हमें तीन बातें करनी है. सबसे पहला है हमारा सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6.
तो सिटीजनशिप एक्ट जो 1948 में जो पास हुआ था, 1948 में देखो सिटीजनशिप, ये जो हमारा एक्ट है 1955 वाला जो सिटीजनशिप हमारा एक्ट है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसके अंदर हम सब लोगों को सिटीजनशिप इंडिया मिले, हम सब लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, तो हम ये डराइव करते हैं फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट, ओके, फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हम ये डराइव करते हैं सिटीजनशिप। तो एज पर दैट सिटीजनशिप ऑफ 1965 हुआ क्या है, 1955 ने एक डेट डिसाइड कर दी। देखो सिटीजनशिप के कई प्रोविजंस हैं, है ना, कि बाय बर्थ हम इंडिया के सिटीजन, जैसे हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं वो बाय बर्थ हैं, लेकिन माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है, उस टाइम पे हमें पता है कि कंट्री का डिवीजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आए, तो ये माइग्रेशन काफी टाइम तक चलता रहा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 1948 का एक डेट डिसाइड कर दिया, जुलाई 1948 का एक डेट, कट ऑफ डेट डिसाइड कर दिया। एंड एज पर द डेट जो भी पर्संस, ठीक है, ध्यान से, कि जो भी पर्संस इस डेट से पहले पहले, बिफोर जनवरी, वो बिफोर जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में एंटर कर गए माइग्रेंट्स, दे आर इंडियंस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये याद रखनी है। अब आप इसको एक टाइमलाइन की तरह समझो कि 1948 से पहले, जुलाई 1948 से पहले पहले जो लोग भी इंडिया में एंटर कर गए, दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर माइग्रेंट्स, ओके। तो ठीक है, ये सारी चीज ऐसे ही चलती रही, प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि उसके बाद होता है क्या, कि फिर बांग्लादेश 1971 में जाके बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट होता है। बांग्लादेश जब ये 1948 था तब उस टाइम पे बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, हम उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। बट 1971 में ड्यूरिंग जब ये इनका मूवमेंट चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तब उस टाइम पे क्या हुआ, बांग्लादेश से बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर गए इंडिया में, ठीक है। तो 1971 से के बीच में, 1971 से एक दो साल पहले, और जब तक ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला, क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस हो गया, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करके इंडिया में। अब इंडिया में वो माइग्रेट करेंगे तो कहाँ आएंगे, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आएंगे, और उसमें वो लोग कहाँ आए, असम में आए। तब उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ गए। तब चलो ये सब चलता रहा, माइग्रेंट्स आते रहे। फिर थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक नया अनाउंसमेंट लेके आती है। गवर्नमेंट का ये कहना है, देखो, दोस हु हैव एंटर्ड द स्टेट बिटवीन जनवरी 1966 एंड मार्च 25 1971 वुड हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट दैट दे वुड नॉट बी एबल टू वोट फॉर 10 ईयर्स। कि 1966 से लेके 1971 के बीच में, इस पर्टिकुलर डेट के बीच में जो लोग इंडिया में एंटर कर गए उनको भी हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, ओके, बस वो 10 साल के लिए वोट नहीं कर सकते। अब देखो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि 1948 वाला आपने तो एक डेट डिसाइड करा था कि माइग्रेंट के केस में द डेट विल बी जुलाई 1948, लेकिन अब आप इस डेट के जो ये 1961 और इसके बीच में भी लोग आए उनको भी आप सिटीजनशिप दे रहे हो। तो ये दोनों एक्ट के बीच में, मतलब दोनों बातों के बीच में दोनों अलग अलग बातें होगी। तो इस चीज को लेके फिर असम में बहुत बड़ा मूवमेंट चला, ठीक है, जिसका वो एनआरसी हम पढ़ते हैं। तो असम में मूवमेंट शुरू हो गया कि नहीं, ये तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, आप इनको सिटीजनशिप दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो फिर इस चीज को सॉर्ट आउट करके असम अकॉर्ड साइन किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो भी वहां के लोग थे, जो नेटिव्स थे असम के, वो इस चीज को लेके एजिटेट कर रहे थे, तो असम अकॉर्ड साइन किया गया। तो असम अकॉर्ड के अंडर ये कहा गया कि जो लोग, ठीक है, साइन बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया। तो असम अकॉर्ड में ये कहा गया कि जो भी लोग हैं 1971 के इन बिटवीन दीज, ये जो आए हैं उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये सब ऐसे डिसाइड कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो आपने 1971 के लोग जो आए हुए हैं, ठीक है, 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ है ना, उससे पहले आपने ऑलरेडी इन लोगों को सिटीजनशिप दे दी। अब आप असम अकॉर्ड साइन करके कह रहे हो कि नहीं, हम इनके राइट, हम इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो वही है कि हम कैसे उनको मना कर दें, वेदर पीपल हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप कैन नाउ बी डिनाइड सिटीजनशिप, कि हमने उनको सिटीजनशिप दे दी, अब हम उनको कैसे मना करें। तो ये चीज जो है, ये फाइनली 10 जनवरी को दोबारा से इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तब हम इसको डिटेल में करेंगे कि वॉट इज असम अकॉर्ड, वॉट इज एक्शन ये वो। अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस एक टाइमलाइन कि एक माइग्रेंट्स के लिए डेट डिसाइड कर दिया गया, लेटर ऑन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन बांग्लादेश दे माइग्रेटेड टू असम, एंड देन गवर्नमेंट ने बोला कि ओके, जो भी इट बिटवीन दीज डेज माइग्रेट करें वी विल ग्रांट देम सिटीजनशिप। एंड लेटर ऑन 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुआ जो इस क्लॉज के अगेंस्ट था कि ये आप इनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। तो अब इस चीज को लेके एक टसल चला हुआ है, एंड दैट फाइनल डिसीजन विल बी ऑन जनवरी 10।
Next news of today is only 1/4 of sanctioned solar projects have taken off, says minister. देखो सबसे पहले इसको समझो कि एक स्कीम शुरू की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. द स्कीम का नाम था डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स. दिस वाज द नेम ऑफ दैट स्कीम. तो इस स्कीम के अंडर ये स्टार्ट की गई थी 2014 को, ठीक है. अंडर द स्कीम इट वॉज प्रपोज टू सेट अप एटलीस्ट 25 सोलर पार्क्स, राइट. 25 सोलर पार्क हमें सेट करने हैं एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट टारगेटिंग ओवर 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पार्क इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. तो दिस वॉज द मेन एम जब ये शुरू किया गया था कि 25 सोलर पार्क हम एस्टैब्लिश करेंगे एंड लेटर ऑन इसका जो 20,000 मेगावाट कैपेसिटी था इसको इंक्रीज कर दिया गया टू 40,000 मेगावाट कैपेसिटी. ओके, सो अभी आपको याद रखना है कि द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2014. इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द व्हाट इज द एम टू सेट अप 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स एंड द फुल टू रीच द फुल कैपेसिटी ऑफ 40,000 मेगावाट. ओके, सो दिस वॉज द स्कीम. नाउ अब हम देखते हैं कि जितने भी ये सेंक्शन सोलर 2014 से चल रहा है, नाउ इट इज 2022, ओनली 1/4 ऑफ सेंक्शन सोलर प्रोजेक्ट्स हैव टेकन ऑफ, सेज द मिनिस्टर. Some solar parks were cancelled due to slow progress. अब देखो अब होता क्या है, if we talk about the prelims, तो prelims में आपको ये scheme पूछी जाएगी. Okay, you have to learn the scheme, what is the ministry, what is the launch date and what is the objective and everything. Prelims के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा. But for mains, ठीक है, they can ask you in general कि what is the reason of slow progress of solar projects in India. है ना, तो वो इस पर्टिकुलर स्कीम से रिगार्डिंग नहीं पूछेंगे, वो आपसे जनरली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन कि डिस्पाइट विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी एंड एवरीथिंग. सो आप इसमें से वो आइडियाज ले सकते हो कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं. जैसे देखो इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग लैंड, ठीक है. आप कोई भी, नॉट ओनली सोलर प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाओ स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये तो रहेगा ही. लैंड तो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इशू है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इशूज. एनवायरमेंटल इशूज कैसे ये हम देखते हैं, देखो. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ओइंग टू पेंडेमिक. अगले वाले 2-3 साल के लिए तो यही चलाते रहो भाई, पेंडेमिक तो अभी रहेगा ही. कि पेंडेमिक का असर हो रहा है जी इंडिया के ऊपर, हर जगह पेंडेमिक का इफेक्ट है, तो इस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी स्लो वेरी स्लो वेरी स्लो. कोई भी प्रोजेक्ट आपको लिखना हो मेन्स में तो ये लाइन जरूर लिखो, ठीक है. अब देखो कि हुआ क्या है, कि क्या रीजंस हैं, ठीक है. एक तो स्लो प्रोग्रेस है, तो स्लो प्रोग्रेस क्या है, एक तो वही वाला हमने देख लिया कि लैंड का. एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं कि जो भी ये सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स की ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से हमें पता है कि राजस्थान में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो इस ट्रांसमिशन लाइन से जाके टकरा जाते हैं एंड उनकी डेथ हो रही है. तो उसकी वजह से भी ये जो ट्रांसमिशन लाइंस वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है और एनवायरमेंट आपको अप्रूवल्स भी नहीं मिलते, तो उस वजह से भी यहाँ पे लिखा हुआ ना एनवायरमेंटल इश्यूज. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको जरूर दो अपने मेंस में कि हम नहीं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइंस वाला इशू है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम प्रोजेक्ट्स ही नहीं लगाएंगे भी जी वो कर देंगे. तो इसका सोल्यूशन है कि आप उन अंडरग्राउंड कर दो केबल्स को, राइट. ये देखो यहाँ पे कि अंडरग्राउंड कर दो केबल्स को, लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड करते हो देन इनका कहना है मिनिस्ट्री का कि इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड वुड ग्रेटली रेज द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर, ठीक है. तो ये इश्यूज चले हुए हैं कि लैंड नहीं मिल रहा, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो गई है, और अब अगर हम इसको अंडरग्राउंड करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज जर्नल, ठीक है. इन जर्नल आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो. इंडिया हैज कमिटेड टू इंस्टॉलिंग 175,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. हमें पता है कि 175 मेगावाट इंडिया का टारगेट है, उसमें से 100 जो है वो कहाँ से आएगा, सोलर से. बाकी 75 को कैसे डिवाइड किया गया आप मुझे बताओ, ठीक है. इट इज डिवाइडेड बिटवीन विंड हाइड्रो एंड बायोमास. मुझे बताओ कि इस 75 का कितना विंड का है कितना उसका है, आप कमेंट में जरूर इसको कमेंट करो और इसको फाइंड आउट करो. लेकिन 175 इज द टारगेट, उसमें से जो 1 लाख है दैट विल बी फ्रॉम सोलर, और इसमें से हम 61 मेगावाट अचीव कर चुके हैं, क्लियर. नेक्स्ट इज द अटैक ऑन द लास्ट बास्टियन द जुडिशरी. ये हमने कल भी करी थी, ओके. ये हमने कल भी किया था कि जुडिशरी के ऊपर अटैक हो रहा है, वही जो इशू था उनका, क्या कहते हैं उसको, वही सॉरी जो इशू था आपका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच का इशू था
कि उसका जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके इश्यू था। तो ये ऑथर है, इन्होंने कहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हर चीज को वो कर रही है, ठीक है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन है, कि प्रेजेंट कमीशन गवर्नमेंट उसी को वो कर रही है। तो उसके बाद इसमें बताया गया है कि कैसे नेशनल जुडिशियल का वो उसका मिशन का और वो सब आप इसमें, जो कल का लेक्चर आप उसमें देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज अ कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्स द फॉरेस्ट राइट। अब देखो ये है क्या, दिस इज ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड। दिस इज रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2011। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिल में क्या है, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, सबसे पहले तो आप इसको देखो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें, जो करंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें वी हैव सम सिक्स शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिक्स शेड्यूल्स हैं। तो इन सिक्स शेड्यूल्स में क्या होता है कि जो शेड्यूल 1 के एनिमल्स हैं दे आर हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, ठीक है, यू कैन नॉट किल दैट एनिमल्स, उनको हंटिंग करना इज नॉट अलाउड। तो शेड्यूल 1 के जो एनिमल्स हैं अगर उनको बाय चांस हंट करना भी है तो हंटिंग कब होगा, अगर वो एनिमल इज थ्रेटन टू अ ह्यूमन लाइफ नाउ, ठीक है, सपोज कोई टाइगर है वो मैन ईटर बन चुका है, नाउ इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, तब उसको हंट किया जा सकता है बट विद द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। एंड अगर वो इतना कोई ऐसा वो डिजीज उसको है कि नाउ ही इज डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, अब वो ठीक ही नहीं हो सकता, ओनली इन दीज टू कंडीशंस यू कैन हंट अ एनिमल दैट इज बींग लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, उसके बाद वी हैव अनदर शेड्यूल 2, 3, 4। 2, 3, 4 में जो एनिमल्स हैं उनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो कम होता जाता है फ्रॉम दिस शेड्यूल 1, ठीक है। अब जो 2, 3, 4 के एनिमल्स हैं उनको आप किस कंडीशंस पे हंट कर सकते हो, ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर है कर सकते हो, डिसेबल बियॉन्ड रिकवरी कर सकते हो, प्लस अगर वो एंडेंजर्ड है ह्यूमन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टैंडिंग क्रॉप एंड लैंड। सपोज कोई शेड्यूल 1 का एनिमल है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड को खराब कर रहा है, वो क्रॉप्स को खराब कर रहा है, उसको हंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर शेड्यूल 2, 3, 4 का कोई एनिमल है वो ये थर्ड पॉइंट भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए कर सकते हैं, डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी कर सकते हैं, और अगर वो इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किलिंग इन डिफेंस ऑफ वन सेल्फ। तो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चार बातों के लिए ही कोई भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको हंट किया जा सकता है। एक और बात है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट ओनली कि आपने उसको मारा, ठीक है, आपने उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया, आपने उसको किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश की, ठीक है, कुछ भी आपने उसको किया, तो वो भी हंटिंग में ही काउंट होगा। हंटिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू किलिंग ओनली, ओके, हंटिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू किलिंग ओनली, हंटिंग मीन्स आपने उसको किसी भी तरीके से, इवन इफ योर इंटेंशन वॉज टू हार्म दैट एनिमल, देन इट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज हंटिंग, क्लियर। अब हुआ क्या है, अब जो करंट जो एक्ट है, एक्ट के करंट जो अभी सिक्स शेड्यूल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ में, जो फोर तो है 1, 2, 3, 4 फॉर एनिमल्स, फिफ्थ में भी हम देखते हैं कि क्या है। जो नया इन्होंने वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2021 किया उसमें क्या कर दिया कि जो शेड्यूल्स हैं उनको पहली बात तो 6 से 4 कर दिया, ठीक है, 6 से 4 कर दिया। हम इसमें देख रहे हैं कि शेड्यूल 1 में भी एनिमल्स हैं, शेड्यूल 2, 3, 4 में भी एनिमल्स ही हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, नए एक्ट में जो शेड्यूल्स हैं उनको 4 कर दिया गया, 4 में से एनिमल्स को 2 शेड्यूल्स में डाल दिया गया, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 2, 1 फॉर द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन एनिमल एंड 2 जिनको थोड़ा कम प्रोटेक्शन है, ठीक है। लेकिन उनको हंट कर सकते हैं नहीं कर सकते ये सब कुछ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब जो ये 6 शेड्यूल्स हैं पहले वाले एक्ट में, 4 शेड्यूल्स तो एनिमल्स के हैं, जो फिफ्थ शेड्यूल्स था दैट वाज फॉर वर्मिन स्पीशीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्मिन स्पीशीज, वर्मिन स्पीशीज जिनको हम हार्म कर सकते हैं, जिनको हम किल कर सकते हैं, जैसे सपोज क्रोज हैं, बैट हैं, तो वो थे परमानेंट वर्मिन स्पीशीज। इसके बिना भी कभी भी कोई एनिमल है जो कि आपके उसको हार्म कर रहा है तब उसको भी हम वर्मिन स्पीशीज में इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन अब नए वाले एक्ट में जो 2021 में हुआ है, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उसमें वर्मिन स्पीशीज का कॉलम ही हटा लिया गया है, क्लियर। सो उसी को लेके ये जो है हमारा आज का ये जो आर्टिकल है कि अब हुआ क्या है, देखो, रिग्रेसिव पुलिसिंग अलाउड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल एंड अदर फॉरेस्ट लेजिस्लेशन हिंडर्स द फुल एंड बेनिफिशियल स्कोप ऑफ द फॉरेस्ट।
अब एक और एक्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्या है कि जो भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो अपना जो फॉरेस्ट में रह रही हैं, अब देखो अगर ट्राइब जो है वो फॉरेस्ट में रहेंगे तो उनका कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ऑब्वियस है दिस इज, कि उनका एनिमल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, और एनिमल्स के साथ जब उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा तब वो उन एनिमल्स को हार्म भी कर सकते हैं, उनसे हो भी जाएगा, तो कोई ऐसी बहुत भी बड़ी बात नहीं है। तो यही बात है कि अब जो एक्ट कर दिया गया है 2021 में, वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब एक डेटा आया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग कि जितने भी ये क्रिमिनल केसेस हैं, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल केसेस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किसके किसके अगेंस्ट बन जाते हैं, ट्राइब्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ट्राइब्स हैं जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, वो मैक्सिमम जो क्रिमिनल केसेस हैं, 95% जो क्रिमिनल केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, और वो मोस्टली अगेंस्ट दिस ट्राइब्स हैं। तो एक तरह से इस एक्ट के थ्रू जो हम ट्राइब्स हैं उनको हम ज्यादा क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर हम इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में देखो क्या है कि अमंग द एनिमल्स हंटेड द हाईएस्ट ओनली वन एंड टॉप फाइव बिलोंग टू शेड्यूल वन पीकॉक। इवन फिश भी है, ठीक है, फिश भी, फिश के कुछ स्पीशीज जो है शेड्यूल वन में है। अब फिशिंग करना भी इनका कुछ फिशिंग है। अब वूपिंग 133 केसेस पर्टेनिंग टू फिशेज, फिशिंग करने के लिए भी इनको ये क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यही इस पूरे इसका बताया गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एमपी की, एग्जाम्पल्स एज इट इज आपसे नहीं पूछी जाएंगी इफ यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी। जस्ट आप इसको समझो कि इस एक्ट का क्या इशू है, कि यही है कि अगर आप इस एक्ट में शेड्यूल्स कम कर दोगे, वर्मिन स्पीशीज का भी आप कम कर रहे हो, तो जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज होगा। वाई? क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा, ट्राइब्स के साथ। दिस इज ओनली फॉर ट्राइब्स, नॉट फॉर द जनरल पीपल, ठीक है, ये ट्राइब्स के लिए है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि कोई बीच का रास्ता ढूंढो, ठीक है, दोनों एक्ट्स को लेके बैठो और दोनों एक्ट्स के बारे में फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस किया जाए और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है फाइंड आउट किया जा सके। देखो इश्यूज रिलेटेड टू दिस बिल कि एक तो ये है कि नो मेंशन ऑफ ट्राइब्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो इश्यू है उस बिल में। तो आप कोई भी, और ये इंडिया में हमेशा से है, कोई भी हम वाइल्ड लाइफ एक्ट जो लेके आ रहे हैं हम उसको बिना ट्राइब्स की मेंशन किए उसको कंप्लीट नहीं कंसिडर कर सकते, राइट। सो यू हैव टू इंक्लूड ट्राइब्स इन द बिल। नेक्स्ट इज द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत एक स्टडी आई है कि जो रूरल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर है कि जो राइज हो रहा है रूरल मैन्युफैक्चरिंग। अब ये रूरल मैन्युफैक्चरिंग क्यों राइज हो रहा है, देखो रीसेंट डेटा शोज फ्रॉम द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम 2019-20 दैट द रूरल सेगमेंट इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट। जो 42% जो है, जो फैक्ट्रीज जो है वो रूरल एरियाज में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये इस पूरे उसमें ये कहा गया कि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं दे आर शिफ्टिंग टू रूरल एरियाज। व्हाई दे आर शिफ्टिंग टू रूरल एरियाज, अब इसमें दो तीन बातें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसको तीन रीजंस बताए गए हैं, बिकॉज ऑफ वेजेस प्रॉपर्टी एंड लैंड। वेजेस प्रॉपर्टी एंड लैंड की वजह से जो ये आपके वेजेस प्रॉपर्टी एंड लैंड की वजह से जो इंडस्ट्रीज है दैट आर शिफ्टिंग टू रूरल। हाउ? सबसे पहले देखो सबसे पहला जो इशू है दैट इज लैंड, ठीक है। तो लैंड का इशू है, इस पूरे पैराग्राफ में लैंड के इश्यूज को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला जो है लैंड का इशू है, फर्स्ट इज द फैक्ट्री फ्लोर पर सप्लाई। अब आजकल क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सो मशीन्स आर बिग, सो ज्यादा मशीन्स को ज्यादा स्पेस की जरूरत है। एंड हमें पता है कि अर्बन एरियाज आर ऑलरेडी वेरी कंजेस्टेड, अर्बन एरियाज में तो स्पेस का हमेशा से ही इशू। हमने पीछे भी देखा कि इंडिया में सबसे बड़ा इशू ही लैंड का है, और अर्बन एरियाज में तो वो इशू और भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पे मूव कर रही हैं, टू द रूरल सेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो है दैट इज लैंड, कि लैंड की वजह से वो रूरल एरियाज में मूव कर रही हैं। सेकेंड चीज जो है कि प्रॉपर्टी जो है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है, रूरल एरियाज में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है वो रूरल एरिया में चीपर रेट्स पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, एंड अदर चीजें भी जो भी आपको एक इंडस्ट्री रन करने के लिए चाहिए दे आर कंपेरेटिवली चीप इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू सिटीज, राइट। सो द थर्ड जो पॉसिबिलिटी की थर्ड, क्यों, तीन रीजन दिए गए कि क्यों मूव हो रही है, तो दैट इज द लेबर। देखो सिटीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस स्किल्ड, लेस यूनियनाइज्ड एंड लेस कॉस्टली लेबर, ठीक है। लेबर जो है वो कम कॉस्टली है,
लेबर जो है वो कम स्किल्ड है, और अगर वो कम स्किल्ड है तो यूनियंस भी नहीं वहां पे बन रहे, और उस वजह से वहां पे जो वेजेस हैं वो भी कम है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको GS 1 में भी और GS 3 में भी पूछा जा सकता है मेंस में कि रिसेंटली देर इज बिन अ ट्रेंड दैट द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टू द अर्बन एरियाज, व्हाई दिस इज सो। सो दिस गिव दीज 3 रीजंस। फर्स्ट कि लैंड का इशू है, लैंड वहां पे कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट वहां पे है, एंड देन थर्ड इज योर दिस लेबर इश्यूज। ठीक है कि लेबर्स का भी वहां पे जो है प्रॉब्लम जो है वो ठीक है, मतलब लेबर वहां पे अनस्किल्ड है वो सब है, लेकिन क्या ये सब बातें ठीक है? ठीक है, अभी भी अगर हम देखें कि जो 35% जो कॉस्ट है, ठीक है, जो इनका कंपनी का कॉस्ट है उसका 35% अगर पूरे एक साल में कोई भी एक इंडस्ट्री है उसको 100 रुपीज की कॉस्ट पड़ रही है, तो उसका 35 रुपीज वो सिर्फ और सिर्फ रेंट पे दे रही है, और उसमें से 60 रुपीज वो उसने जो भी लोन लिया हुआ है उसके ऊपर पे कर रही है। तो इतना भी कोई ये कम नहीं है, इतना भी कोई ऑपरेशनल कॉस्ट कम नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज जो इसमें बताई गई है कि जो लेबर है, आप ठीक है आज आप कह रहे हो कि अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर हमें चलेगी, ओके, इज इट, कोई इश्यू नहीं है, अनस्किल्ड लेबर आप रखो, लेकिन वो अनस्किल्ड लेबर जो है, हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी है, हमें आगे चल के हम अनस्किल्ड लेबर से कितनी देर तक चला पाएंगे? कभी ना कभी हमें आगे मूव करना है, हमें रिसर्चेस करनी है, हमें तो आपको अनस्किल्ड लेबर वाला इशू भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर की वजह से इधर उधर ऐसे मूव नहीं कर सकते, और अगर आप कर रहे हो तो ये कोई सही चीज नहीं है। तो लेबर भी आपको जो है अनस्किल्ड से ज्यादा आपको दूसरी लेबर भी जो है चाहिए होगी, राइट? सो दिस इज द मेन क्रस्क ऑफ दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना लो कि 3 रीजंस दिए गए हैं कि वाई रूरल मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद उसका ये सब बातें। ठीक है, और आज के जो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट थी, एक तो था वन वाज देयर द न्यूज ऑफ इन्फ्लेशन, कि कोर इन्फ्लेशन, ओके, टेल मी द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड एंड एवरीथिंग इज नॉट, फूड इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की आप वो सब याद रखो, और उसके बिना हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं जो भी हमने आज पढ़ा, कि ये बिल है, इसका बिल हो गया, हंटिंग का बिल हो गया, ये सब बातें हमने आज इसमें करी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट FCRA। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज द हिंदू एनालिसिस। तो इसको अच्छे से करो, एंड कुछ भी डाउट्स हैं, एनीथिंग जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ऐड करो, एंड फॉर द टिल और उसमें ऐड करो, और हम कोशिश करेंगे आपके सारे उसको सॉल्व करने के लिए। और ठीक है जी, दिस वॉज फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। ठीक है, टिल देन बाय, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।